أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم هنا ترجمة جهة <تصوح> <تصوح> تو كيه يا الله مالك سلطانتك تو سلطانت دبي जिसको चाहे और सल्तनत छीन लेवे जिससे चाहे और इज्जत देवे जिसको चाहे और जलील करे जिसको चाहे तेरे हाथ है सब खूबी बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है तू दाखिल करता है रात को दिन में और दाखिल करे दिन को रात में और निकाले ज़िंदा मुर्दे से और निकाले मुर्दा जिंदा से और तू रिस्क दे जिसको चाहे बेशुमारम मालिकल मुल्क तो पीछे दलाल गुज़रे तौहीद के तो ये दुआ की शक्ल में उनका समरा है जिसका ख़ुलासा ये है कि तमाम तसरुफात अल्लाह कब्जे में हैं तो जब तमाम तसरुफात का मालिक वो है लिहाजा इबादत भी उसी की होनी चाहिए हाजात उसी के मांगने चाहिए सारे का वही मालिक है और किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है मखलूक में कोई मुख्तार कुल नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के ना कोई जिन ना फ़रिश्ता ना कोई नबी मुरसल ना कोई और नेक आदमी ना को पीर ना बुजुर्ग ना वली ना कोई बुत ना हजर न शजर कोई भी मालिक नहीं है लोगों ने मज़ाहिरुदरत को अल्लाह के अख्तियार वाला समझ कर उनकी इबादत शुरू कर रखी है तो फरमाया नहीं नहीं सारे इख्तियारत अल्लाह ताला के पास हैं सारी सल्तनत उसी के पास है जब उसी के पास है तो फिर इलाह और मबूद भी वही है इबादत के लायक भी वही है उसी की सजदे हों उसी की नजरें मानी जाएँ उसी को पुकारा जाए और उसी हाजात मांगी जाएँ और किसी के दर पर सर न झुकाया जाए और न ये अमल उसके सामने किए जाए मालिकल मुल्क इस आयत के शान नजूल के बारे में कुछ तफसील ये है कि जब मुसलमान मदीना मनौर में हिजरत करके पहुँच गए और वहाँ इस्लामी सल्तनत का क़याम हो गया तो फिर कुफार ने पीछे से चढ़ाई शुरू की तो कई जंगें कुफार के साथ मुसलमानों ने लड़ी, बदर में कुफार हमला आवर हुए तो अल्लाह ताला तक बातिल के दरमियान फैसला कन जंग जो है इनके मुसलमानों के हक़ में फतह कर दी और जिसकी वजह से मुसलमानों का रोब और बढ़ गया और फिर वह के मौके पर भी हकीकता तो मुसलमानों को ही फतह हुई थी लेकिन एक इजिहादी गलती की वजह से कुछ जो है वक्ती तौर पर शिकस्त उठाना पड़ी लेकिन फिर काफिर भाग गया असल फतह मुसलमानों की ही हुई तो फिर काफरों ने एक खास साजिश की खासकर यहूद जो थे इस साजिश के बहुत क्या है साजिशी पुराने ज़माने के आज तक आ रहे हैं उनकी साजिश थी साथ नसारा और मशरकिन मक्का कि उन्होंने पूरे जजी अरब के मशरकिन को यहूद नसारा को क्या किया <coughs> मतहद किया और एक मतहदा महाज बनाया और उन्होंने ये ठान ली कि मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए और उनको नस्त व नबूद कर दिया जाए इस वजह से ये सारे मिल एक बहुत बड़ा जर्र जरी लश्कर तैयार किया लश्कर जरार आ गया मदीना पर हमला आवर होने के लिए और मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए उनको नेस्त व नबूद करने के लिए आया तो उस वक़्त फिर मशवरे हुए कि इनके मुकाबले के लिए मुसलमानों को क्या करना चाहिए क्योंकि मुसलमान तो बहुत थोड़े थे एक मदीना ही उनकी छोटी सी रियासत थी और पूरे अरब के लोग वो मुख्तलिफ़ गोह गिरो के गिरोह ही जमा हो गए और मुसलमानों को ख़त्म करने के दरपय हो गए तो मशवरे में फिर हज़रत सलमान फारसी ने ये मशवरा दिया कि इस वक्त जो है उनके आगे खंदक खोद देनी चाहिए एक साइड से जो इलाका है जिस तरफ से वो आ सकते हैं तो उस तरफ खंदक का तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मशवरे को कबूल फरमाया तो चुनाचे फिर खंदक खोदने के लिए तैयार हुए तो आप सल अम ने मुसलमानों को के खंद खोदने के लिए क्या तकसम कार किया और चालीस चालीस हाथ जो है दस दस आदमियों के सपुर किए कि ये खंदक का ये हिस्सा तुमने खोलना है फिर और दस आदमियों के सपुर था फिर और इस तरीके से साहब कर ने खंदक खोदने का क्या है काम शुरू किया ज़ाहिर बात है बहुत बड़ा काम था बहुत मुश्किल काम था इसलिए मुसलमान एक तो गरीबी की हालत थी जी खाने पीने को बहुत कम मिलता था हती कि उसी मौके पर मुसलमानों ने अपने पेट पर पत्थर बांधे हती कि आप दो पत्थर बांधे हुए थे और फिर ये एक उधर काफर बिल्कुल करीब आ चुके थे और इधर उनका रास्ता रोकने के लिए खंदक खोदने थी टाइम बहुत थोड़ा था इसलिए मुसलमान बड़ी मुश्किल से खंदक खोद रहे थे और बड़ा काम उन्होंने तेज़ी के साथ किया तो जब खंदक की खुदाई शुरू थी तो उसी दौरान खंदक की एक जगह ऐसी आ गई खंदक खोदते हुए जिसमें बहुत बड़ी चट्टान थी और वो जो जिनका दस आदमियों का वहाँ ड्यूटी थी उस जगह पर तो उन्होंने तो कोशिश की लेकिन वो कामयाब ना हो सकता उस चट्टान को तोड़ने में बहुत ही सख्त किस्म की चटान थी तो हजरत सलमान फ़ारसी को भेजा उन्होंने कि आप की खिदत में जाओ जी कि आप आपसम भी खुद खुदाई में शरीक थे वो तो किसी दूसरे हिस्से में थे कि एक हमारे हिस्से में ऐसी चटान आई है कि जो हम जो है उसको तोड़ नहीं सकते तो आप का क्या हुक्म है इस बारे में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ख़ुद तशरीफ़ ले आए और आपने खुद कुतल उठाकर क्या है? खंदक के अंदर खुद उतर कर उसको चटान को एक ज़रब लगाई ऐसे ज़ोर से कि वो क्या है पत्थर ऊपर से टूट गया और उससे बहुत बड़ी चमक ज़ाहिर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस चमक में इस रोशनी में अल्लाह ताला ने मुझे फ़ारस जो है ना बहरा फ़ारस उसके और इमारात जो है वो दिखाए हैं जी फिर दोबारा ज़रब लगाई फिर इसी तरह कैसे एक क्या चमक निकली तो उसमें आप सल्लल्लाहु ने फ़रमाया कि इसमें मुझे रोम के महल्लात दिखाए गए और फिर तीसरी ज़रब लगाई फिर इसी तरह शोला बरामद हुआ और चमक बरामद हुई उस वक़्त आप ने फरमाया कि इसमें मुझे सनाए यमन के महल्लात और इमारत दिखाई गई हैं और ये फ़रमाया कि हज़रत जिब्राइल ने मुझे अभी ख़बर दी है कि आपकी उम्मत इन सब इलाकों को फतः करेगी और ये इलाके इनके जेरे नगी आएंगे। तो चूँकि मुनाफिकीन भी वहाँ मौजूद थे जब उन्होंने ये बात आप आपकी की सुनी तो वो बतौर मजाक के और तमशुर के कहने लगे वाह जी हाल ये है कि अपनी हाजात पूरे नहीं कर सकते जी खाने पीने को कुछ नहीं है जी अपने क्या काम करने के नहीं हैं और डर के मारे इतने खौफ के मारे खंदक खोद रहे हैं हालत ये है उधर कहते हैं हम जी ईरान और रूम और के के महलात और जमन के महलात फ़तः करेंगे वाह जी हालत ये और बातें ऐसी तो उन्होंने ये मजाक उड़ाया तो उनके इस नज़रिए को रद्द करने के लिए क्या है इस आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया यही तो ये आयत उस वक्त नाजिल होगी कि अल्लाह ताला मालिक मुल्क है जिसको चाहे हुकूमत दे दे जिससे चाहे छीन ले ये तो उसके कब्जे की बात है अल्लाह ताला ने पहले भी कौमों के अंदर इस किस्म के, के इनकलाबात आए कि बाजे लोग बड़े बादशाह थे लेकिन उनकी बादशाही ख़त्म हो गई बादशाह से गदा बन गए या तबाह बर्बाद हो गए इसी तरीके से बहुत सारे फ़कीरों को अल्लाह ताला ने शाही सल्तनत ता फरमाई तो ये होता आया है ये कोई नई बात नहीं है तो ये सारा कुछ निज़ाम अल्लाह के कब्ज़े में जिसको चाहे बादशाही दे दे और जिससे चाहे छीन ले तो अब फारस और रोम पर काफरों की हुकूमत है तो एक वक्त आने वाला है कि अल्लाह ताला इसमें मुसलमानों को हुकूमत अता फ़रमाएंगे तो ये कोई अनोखी बात नहीं है ऐसा अनहोनी बात नहीं ऐसा होने वाला है इसलिए सहित में अल्लाह ताला के उसाफ़ को बयान फ़रमाया अल्लाकमल्क अल्लाम का मतलब या अल्लाह ए अल्लाह जो तू मालिक के मुल्क है जी मुल्क से मेरा सल्तनत है यानी सारे कुछ सल्तनत तेरे ही कब्जे में है तो तिल मुल्क तोमल्क मनतशा सल्तनत जिसको चाहते हैं दे देते हैं और उससे जिससे चाहते हैं छीन लेते हैं और जिसको चाहते हैं इज़्ज़त देते हैं जिसको चाहते हैं जिल्लत देते हैं तो ये सारे अमूर जी ये आलम अनासर से इसका ताल्लुक है तो गोया सारे आलम अनासर अल्लाह ताला के कब्ज़ा और कुदरत में हैं इसलिए आगे फरमाया बियादल ख़ैर तेरे हाथ में तमाम खैर अल खैर में अमूम है ये तमाम भलाइयाँ तेरे ही हाथ में तो इसमें एक तो खबर मारफा है जैसे अमूम उम खैर की तरफ इशार है मुराद तमाम भलाइयाँ और बियादल खैर से हसर मालूम है सारी ही भलाइयाँ तेरे ही कब्ज़े में हैं और किसी के कब्ज़े में नहीं हैं तो जब और किसी के कब्ज़े में नहीं हैं तो इसलिए मालिक को दाता वही है उसके अलावा और कोई दाता नहीं है लोगों ने और दाते बना रखे हैं अल्लाह ताला फाज़ फरमाए इन न का अलाकुल्लेश कदीर बेशक तो हर चीज़ पर कुदरत वाला है तो उसके बाद अल्लाह के और असाफ बयान फरमा दिए उसका तल्लुकमसर से था अब उसके बाद क्या है ज़मीन की चीज़ों के बाद आसमान की चीज़ों की तरफ़ इशारा कियालाफिनहार वुलहार अफिलैल रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में मुराद ये है कि बजफ़ा ये होता है कि रात के हिस्से कम होते चले जाते हैं और दिन में दाखिल होते जाते हैं दिन बढ़ता जाता है और फिर वक्त गुजरने के बाद फिर वक्त आता है कि दिन बड़े होते हैं तो रात फिर बढ़ना शुरू हो जाती है तो फिर दिन के वक्त जो है अज़ा जो हैं वो किसमें रात में दाखिल होते हैं और तो मकसद ये है कि इसमें फलक का जो निज़ाम है आसमानों का जो निज़ाम है वो भी अल्लाह के कब्ज़ कुदरत में है क्योंकि ये सूरज की हरकत से ऐसे होता है जी की कमी बेशी रात दिन में होती है आगे फरमाया तो खरजुल हाई अमिनमैत व तो खरजुलमैत अमिन हाई और तो ज़िंदा को निकालता है मैत से और मैत को निकालता है ज़िंदा से मुराद क्या है से हई मसला अंडा जो है वो निकलता है मुर्गी की मुर्गी जिंदी हो, ज़िंदा होती है उससे अंडा पैदा होता है जी और इस तरह ये तो है कि जिंदा से मुर्दा को निकालना या ये है मुर्दा से ज़िंदा को निकालना जी कि अंडा मुर्दा होता है लेकिन उससे ज़िंदा चूजा निकल आता है इस तरीके से इंसान ज़िंदा है उससे नतफ़ा निकलता है तो नुफवा तो मुर्दा है फिर लुफफ़ा जो है मुर्दा इससे फिर इंसान पैदा हो जाता है इसी तरीके से दूसरे नबातात के बीज हैं वो मुर्दा होते हैं लेकिन उससे क्या है ज़िंदा खेतियाँ और दरख्त ये चीज़ें पैदा होती हैं या माना ये है कि जिंदा से मुराद है मुसलमान और मई से मुराद है काफिर तो जिंदा से मैत मुराद क्या है कि मुसलमान का बेटा काफिर हो जाए जी नबी का बेटा काफ़िर जैसे हजरत नू असल्लाम का बेटा काफिर था या काफिर की औलाद को अल्लाह ताला मोमिन बना दें जी हती के हज़रत इब्राहीम के वाले जो थे वो काफ़िर थे उनसे अल्लाह ताला ने इब्राहिम को पैदा फ़रमा दिया तो ये तो अल्लाह ताला के कब्ज़ में है कि ज़िंदा से मुर्दा को निकाले या मुर्दा से ज़िंदा को निकालो तो ये गोया आलम रूह के ऊपर भी अल्लाह ताला की ही सल्तनत है तो ये तमाम जब सल्तनतें अल्लाह ताला की हैं तमाम इख्तियार अल्लाह ताला के हैं इसलिए मालिक को मुख्तार भी वही है और कोई नहीं है इसलिए आगर में फरमाया व तर्ज़ु को मन तशा बग़ैर हिसाब अल्लाह ताला को ख़िताब करते हुए कि आप जिसको चाहते हैं बग़ैर हिसाब के रोज़ी अता फरमाते हैं तो ये सारे उसी के कब्जे कुदरत में हैं तो बहरल ये आयत खास है समरा है अल्लाह ताला से दुआ है कि इसी के मुताबिक हमें ज़िंदगी बनाने की तोफ़ी नसीब फरमाए और अल्लाह ही को पुकारने की और उसी से मांगने की तोफ़ी नसीब फरमाए गैरों के दर से बचाए व आखर दावाना आखरदावाना अनहमदिल्लबीन